हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज के वीडियो में हम करेंगे हैक द बॉक्स लिनक्स का एक इजी बॉक्स जिसका नाम है लेन। तो इससे शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट कुछ ना कुछ करके जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पॉन द मशीन, तो उसको मैं कर चुका हूँ टाइम बचाने के लिए। तो मुझे मिल चुका है आईपी एड्रेस 10.10.10.3। उसके बाद जो मैंने स्टेप लिया था वो लिया था मैंने यहाँ से वीपीएन कनेक्ट कर लिया था, ठीक है। हैक द बॉक्स का सिंपल एक कमांड उसको मैंने रन करी थी, वो थी जो मेरा एक वीपीएन फाइल डाउनलोड हो जाती है हैक द बॉक्स से, जैसे ट्राई हैक मी में होती है। मैंने वीपीएन कनेक्ट कर लिया, फिर उसको कनेक्ट करने के बाद मैंने एक स्कैन रन करा है एंड मैप का 1000 पोर्ट का। अगर हम पोर्ट कोई मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे, को देखो मैंने कोई पोर्ट मेंशन नहीं कर रखा, तो वो ऑटोमेटिकली 1000 पोर्ट रन करता है। उसको मैंने देखा तो मेरे पास जो पॉइंट मिला, मुझे मिला एक FTP VS FTPD 2.3.4, एक मिला मुझे SSH, एक मिला सांबा का, दो पोर्ट सांबा के मिले मुझे 139 और 445, ठीक है। ओके, तो ये मुझे मिले हैं। तो ये जनरली मैं इनको बोलता हूँ एन्यूमरेशन पॉइंट्स। तो फर्दर एन्यूमरेशन अब मुझे किन पोर्ट्स पे करनी होगी, FTP, OpenSSH और 139 और 445। जब भी मुझे सांबा मिलता है, सांबा मेरा एक फेवरेट एन्यूमरेशन है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रन करता हूँ smbmap-h 10.10.3। smbmap एक बहुत अच्छा टूल है, ये बता देगा कौन कौन से शेयर्स हैं, अगर है कि नहीं, अनोनिमस एक्सेस अलाउड है या नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है। यस, देखो अगर आप देख सकते हो तो एक एडमिन का शेयर है बट उसमें हमें एक्सेस नहीं है। एक टेम्प शेयर है, उसके हमें रीड और राइट दोनों के एक्सेस है, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास एनोनिमस एक्सेस है या नहीं, वो है smbclient-l 10.10.3। तो ये मुझे दिखा रहा है एंटी स्टेटस कनेक्शन डिसकनेक्टेड। ये जनरली एंटी जो वर्जन होता है ना उसकी वजह से आता है, तो क्यों ना मैं जो टेम्प शेयर है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूं। तो smbclient, ये देखो इसमें हाइफन हाइफन ऑप्शन, अगर मैं क्लाइंट मिनिमम प्रोटोकॉल NT1 दे दूं तो ये जो एरर आता है एंटी स्टेटस कनेक्शन डिसकनेक्टेड, ये नहीं आएगा, ठीक है। अनोनिमस मुझे रहना है तो मैं सिंपल कुछ भी सिर्फ एंटर दबा देता हूँ, कुछ भी नहीं देना मुझे। अनोनिमस लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। अब क्या होता है, जनरली सांबा एक अपने आप में एक बहुत ही वल्नरेबल प्रोटोकॉल होता है, तो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए मुझे एक पेलोड चाहिए जिससे मैं इस मशीन को मेटा कैरेक्टर भेज सकूं। तो मैं एक ऐसा एक पेलोड ढूंढता हूं, ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग सांबा विदाउट मेटा एक्सप्लॉइट, ठीक है। इस लिंक को एक बार देख लेते हैं। मेटास्प्लॉइट का हम कोई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मेटास्प्लॉइट OSCP में अलाउड नहीं होता। एक मशीन पर रन कर सकते हो बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मुझे मेटास्प्लॉइट रन ही ना करना पड़े, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसने कैसे करा हुआ है, लॉग ऑन कमांड का क्या रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक और खोल लेता हूँ टर्मिनल और एक बारी लीफ पैड खोल लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अटैक बॉक्स IP, अब जो मेरी IP है वो क्या है, ifconfig, वो है 10.10.16.2 10.10.10.16.2। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिसनर ऑन कर लेता हूँ नेटकैट का 444 से, ठीक है, और यहाँ पे मैं रन करने की कोशिश करता हूँ कमांड। ये दिखा रहा है एंटी स्टेटस लॉग ऑन फेलियर, ओके, इसमें कुछ नहीं आया अभी, कोई बात नहीं, ये तरीका तो शायद रन नहीं हो रहा है। अब मैं करते हैं नो हब, एक बारी लॉग ऑन का नो हब का पेलोड करके देख लेते हैं एक बारी, तो इसको ट्राई करके देख लेते हैं एक बारी
क्योंकि लॉग ऑन का जो प्रोटोकॉल होता है वही वनरेबल होता है। ओके, इसको करते हैं हम कॉपी, इसको हम करते हैं, ये हम ट्राई कर चुके हैं, इससे नहीं हुआ, इससे करके देख लेते हैं। एल होस्ट और एल पोर्ट, तो एल होस्ट हम रखते हैं ये, क्योंकि ये होगा हमारा लिसनर और ये होगा हमारा पोर्ट। चेक कर लेते हैं हमारा जो नेटकैट लिसनर है वो रनिंग हो रहा है, नहीं, हाँ रन हो रहा है वो, कंट्रोल शिफ्ट वी। पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड तो कुछ नहीं, देखते हैं क्या ये कुछ हुआ है। कनेक्शन, यस, तो हमें कनेक्शन मिल चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो शेल है इसको एक बार रन करके देखते हैं। आईडी, यस, वी आर रूट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको शेल को अपग्रेड करता हूँ। ओके, अपग्रेड करने के लिए जो एक यूटिलिटी मैं यूज़ करता हूँ वो है PTY का शेल स्पॉन करने की कमांड। ये बहुत ही अच्छा एक वो है एक्सटेंशन, ठीक है, हैक टूल्स के नाम से आप सर्च कर सकते हो। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल तो नहीं करता क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है, पेस्ट कर देता हूँ मैं, पेस्ट क्लिपबोर्ड, यस, ये आ चुके हैं हम रूट एट द रेट लेम पर। ठीक है, तो हम जाते हैं cd होम ls cd makis में जाके देख लेते हैं। ओके, ये है user.txt, cat user.txt। अब हम देखते हैं इसका रूट फ्लैग, तो cd रूट ls cat root.txt। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे और वीडियोस के लिए। तो अगली वीडियो में हम करेंगे किसी और वर्चुअल मशीन को हैक, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।